मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग की चाय की चुस्कियों के साथ। तो अभी 6 बज रहे हैं और मैं 6:15 बजे उठ गई थी। मैंने हाथ मुँह धोया, ब्रश वगैरह किया, फ्रेश होके आई और अपने लिए बनाई है मैंने 1 कप कड़क चाय। मैं पी रही हूँ चाय और आज मॉर्निंग का मौसम जो होता है इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है। कल इवनिंग से लेकर और नाइट तक इतना तूफान चल रहा था, बहुत तेज़ों से हवा चल रही थी, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर रखे थे हमने और लाइट भी नहीं थी। आ रही थी जा रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। और अभी थोड़ी देर पहले मॉर्निंग में, रात को शायद नहीं हुई लेकिन मॉर्निंग में ही हल्की फुल्की बारिश हुई है। मेरी नींद खुली तो मैंने देखा बाहर बारिश हो रही थी, ज़्यादा नहीं हुई, शायद थोड़ा ही हुई है लेकिन हवा खूब चल रही है और मौसम इतना अच्छा हो गया है। ये देखिए फैन भी बंद किया हुआ है और ये देखो मैंने ये वाला दरवाज़ा सिर्फ जाली वाला लगा रखा है, दूसरा खोल रखा है। यार इतनी अच्छी हवा आ रही है, बहुत अच्छी हवा आ रही है। और यहाँ पे बच्चे लोग सो रहे हैं और मैं पी रही हूँ चाय। और प्राप्ति उठ गई है, वो कर रही है पढ़ाई, अभी मैं इनको भी उठाऊंगी और ये भी पढ़ाई करेंगे दोनों के दोनों। तो कैसे हैं आप लोग? आज का वीडियो मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो गया है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हमेशा की तरह मैं आज भी बोलूंगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगी। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक करके, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुड मॉर्निंग गौरव, हाथ मुँह धो के आओ, अच्छी तरह से कोला करके आओ। चलिए वीडियो स्टार्ट हो गई, मेरी चाय हो गई ठंडी, आप लोगों से बात कोई दोबारा गर्म कर लूँगी मैं। हाँ अच्छी हवा चल रही है बाहर, अच्छी अच्छी हवा चल रही है। पियो बेटा, आप लोग जाओ, वहाँ नहीं है जग में है पानी, जग में है पानी, पी लिया तुम? कहाँ से पिया? ठंडी 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 हवा। और गई चाय पानी मेरा हो गया था मॉर्निंग का, उसके बाद मैं लग गई थी झाड़ू लगाने। और शायद लगभग सभी लोगों का यही होता होगा, उठते ही जो है सफाई का काम शुरू हो जाता है। और दोनों कमरों में, किचन मैंने अंदर सफाई कर ली थी और ये बाहर वाला रूम है, यहाँ पे मैं लास्ट में सारी जगह का कबाड़ा इकट्ठा करके और लास्ट में यहाँ पे उठाती हूँ। उसके बाद कल रात को ना बहुत हवा चल रही थी, बहुत तेज़ों से इवनिंग से लेकर के, तो बाहर सीढ़ियों में और बाहर छत में बहुत सारा मतलब धूल ही धूल हो रखी है। तो पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी पूरे छत में और सीढ़ियों में, उसके बाद धुलाई करूँगी। तो ये देखिए अंदर की तो मेरी सफाई हो गई। और गई अब आ गई थी मैं बाहर सीढ़ियों की तरफ झाड़ू लगाने के लिए, तो पहले झाड़ू का ही काम हो जाएगा पूरा घर में और बाहर, तो उसके बाद धुलाई करने का, पोछा करने का ही रह जाता है। तो अभी मैं सीढ़ियों पे झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद ऊपर वाली सीढ़ियों में भी लगाऊंगी, ऊपर छत में जाने वाली सीढ़ियों पे भी, तो पूरा झाड़ू का हो जाएगा। उसके बाद करूँगी मैं छत की धुलाई, धुलाई करने के बाद फिर मैं अंदर लगाऊँगी पोछा। ये देखिए धूल ही धूल हो गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, तूफान इतना चल रहा था कि मतलब खिड़कियाँ दरवाजे अगर बंद न करते तो अंदर भी धूल ही धूल हो जाती। तो अब मैं आ गई हूँ छत में झाड़ू लगाने के लिए और यहाँ पे रहता है सूज रैक, तो ये मैंने अंदर रख दिया था रात को, मैंने कहा बारिश ना आई तो सूज भीग जाएंगे जिस पे रखे हुए हैं। तो बारिश तो नहीं आई, मॉर्निंग के टाइम पर थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, थोड़ा सा थोड़ी देर हुई थी बारिश। और ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है मॉर्निंग का, और सामने देखिए जो पहाड़ियाँ दिख रही है ना, वहाँ कोहरा सा लगा हुआ है। और लगा लेती हूँ पहले पूरी छत में झाड़ू, उसके बाद मैं फिर
एक बार धुलाई कर लूँगी छत में। फिर ये होता है ना कि अंदर हम कितने भी सफाई करें घर के अंदर, अगर बाहर घर के सामने अगर साफ सफाई नहीं, तो जितने बार अंदर बाहर जाओगे ना, तो पाँव में ऐसे धूल मिट्टी अंदर चली जाती है, फिर कोई फायदा नहीं होता सफाई करने का। तो मैंने सोचा पहले मैं बाहर की ही धुलाई कर लूँ, उसके बाद मैं अंदर पोछा लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा धूल ही धूल हो गई थी, तो अभी लग गया है पूरे घर में झाड़ू। और ये एक बाथरूम के दरवाजे का है डोरमेट, और एक ये है मेन दरवाजे का बाहर जो छत में लगाया रहता है। तो इन दोनों को भी मैं यहाँ पे थोड़ा पानी डाल के साफ कर लूँगी, साबुन से नहीं धोया, बस थोड़ा थोड़ा ही गंदे थे। इनको यहाँ पे धूप में रख दूँगी सुखाने के लिए। मैंने सोचा जब पाइप लगा ही रखा तो इनको भी साफ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे करती हूँ छत की धुलाई। और मेरी पिहुरानी बना रही थी मेरी वीडियो, तो गाइस आज मैं यही वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, साफ सफाई वाली। और वैसे भी क्या होता है ब्लॉग में, यही होता है जो भी हम काम काज करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तो वही शेयर करना होता है। तो आपको ज़रा भी मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो न्यू फ्रेंड आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ऑल पे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैंने बाल्टी से पानी डाला, उसके बाद वैसे झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं होती, पानी अपने आप उतराई में निकल जाता है, मतलब रुकता नहीं है कहीं पे पानी। तो मैं एक बार थोड़ा थोड़ा करके झाड़ू भी लगा लेती हूँ। और गाइस मैंने यहाँ पे बाल्टी पे भर रखा था पानी अंदर से पाइप लगा के, और मैं यहाँ पे बाल्टी से पानी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि गर्मी में पानी की बहुत बचत करनी चाहिए, जितना हो सके पानी कम ही यूज करना चाहिए, मतलब फालतू तो पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहूँ तो मैं बाल्टी से ही डाल सकती थी, लेकिन मैंने एक मग्गा लाया हुआ था, मग्गे से मैं एक एक मग्गा करके डाल रही थी, और फिर उसके बाद झाड़ू से साफ कर रही थी। तो यहाँ पे लगभग क्लीनिंग हो गई थी बाहर के एरिया की। इससे पहले मैंने सीढ़ियाँ साफ कर ली थी झाड़ू और पोछा लगा के, और तब मैं यहाँ पे लगा रही थी। उसके बाद मैंने कहा, प्यू कह रही थी मम्मी यहाँ पे मैं बाहर में बैठ के पढ़ाई करूँगी, तो मैंने कहा मैं जल्दी पहले यहाँ पे साफ कर लूँ, उसके बाद बच्चे यहाँ पे बैठे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम आती है धूप आजकल के लिए, अच्छा है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी धूप आती है, कभी छांव रहती है, तो बाहर में बैठने के लिए अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा आती है सुबह शाम, तो साफ सफाई रहे तो अच्छा लगता है, बैठने का भी मन करता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरी छत की धुलाई कर ली है, और उसके बाद फिर मैं आगे बालकनी में भी सफाई करूँगी, वहाँ पे भी ऐसे पानी डाल के ही साफ कर लूँगी। उसके बाद फिर लगाऊंगी मैं पोछा। यहाँ पे पानी रुक सा रहा था, कुछ जैसा ना कबाड़ा सा फंस गया होगा, तो मैंने वो निकाल दिया था। जो ये झाड़ू है ना, ये आगे से टूट जाती है तो फिर पानी नहीं जा पाता, पानी रुकता है, तो मैंने जो भी कबाड़ा वहाँ पे फंसा हुआ था वो निकाल लिया था। और ये देखिए पूरी छत मेरी धुल गई है, और आज बच्चे घर में ही थे तो मॉर्निंग से मैंने उनको बोल दिया था पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आज छुट्टी है, तो अगर पढ़ने के लिए ना बोलो तो बहुत मतलब शैतानियाँ करते हैं, परेशान कर देते हैं, पढ़ने के लिए बोलो पढ़ाई करो तो चलो ये रहते हैं, घर में शांति रहती है, बैठे तो हैं कम से कम एक जगह पे, और मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब झाड़ू या पोछा जब लगा रहे हैं तब इधर उधर कोई जा रहा है ना, पोछा लगाने के बाद यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसलिए मैंने पोछा लगाने से पहले ही कह दिया था कि तुम बैठ के चुपचाप करके पढ़ाई करो, तो लोग पढ़ रहे थे।
फिर कोई फायदा नहीं होता। जैसे हम साफ सफाई कर रहे, कोई इधर उधर आ रहा जा रहा है, तो फिर पाँव के जो ना चिप्पे से हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। अभी देखिए छत पूरी साफ हो गई है। और गाइज अभी मैं आई हूँ नहा के, मैंने हेयर वॉश किया है और अभी है नाश्ता टाइम, तो अभी कर लेते हैं नाश्ता। ज़्यादा इंग्लिश मजार। और इनके लिए तो मैगी बनी थी, थोड़ा सा मैंने भी ली थी अपने लिए मैगी। और मैं खाऊंगी रोटी और सब्जी है, रात वाली सब्जी पत्ता गोभी की, रोटी सब्जी और साथ में चाय। और ये देखिए जब मैगी बनती है ना ऐसे चाटम चाटी होती है, देखो कैसे चाटती प्लेट को। ये देखिए सब्जी दालें वगैरह जो है ना, हेल्दी खाना तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। और मैदे की बनी हुई चीज़ें मैं बहुत कम बनाती हूँ मैगी, ये 2 पैकेट कब से थे, जब रुड़की थी तब गई थी, तो मैंने कहा आज बना लूँ मैं इनको। प्राप्ति ने कहा इनकी डेट चली जाएगी, काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं, तो मैंने अपने लिए बनाई रोटी, अच्छी नहीं हो रही। ये वाली मुझे भी अच्छी नहीं लगती, प्याज टमाटर हरी मिर्च डाल के बनाओ ना तो वो वाली अच्छी लगती है।